चीन डर गया, पाकिस्तान भाग गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बलूचिस्तान से पाकिस्तान और चीन को भागना पड़ा है, जिसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों चीन पाकिस्तान को बलूचिस्तान से भागना पड़ा, और अब क्या चीन पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का केंद्र बनाने की योजना को त्याग दिया है। तो इसका उत्तर है हाँ, त्याग दी गई है। बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC परियोजना। अब बलूचिस्तान से भागकर चीन पाकिस्तान कराची में इस परियोजना पर काम करेंगे और वहीं पर केंद्र बनाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार चीन पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए वहां के विद्रोही हमला कर रहे हैं, और अब चीन को फिर से कराची में करीब $3.5 अरब खर्च करने पड़ेंगे। इस बात की पुष्टि जापानी अखबार निकाई ने की है। जापानी अखबार की माने तो पाकिस्तान ने बताया कि चीन करीब $3.5 अरब इस परियोजना पर खर्च करेगा, वो भी कराची में। और अब खुद चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात पर मुहर लगा दी। इस परियोजना के तहत कराची में क्या कुछ होगा ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इसके तहत कराची पोर्ट का विस्तार, मछली पकड़ने के लिए एक अन्य बंदरगाह का निर्माण और 640 हेक्टेयर के इलाके में व्यापारिक जोन की स्थापना करना शामिल है। इनमें एक पुल भी बनाया जाएगा जो कराची बंदरगाह को मनोरा द्वीप से जोड़ेगा। लेकिन ये सवाल तो बना रहेगा कि क्या बलूचिस्तान के बाद कराची में चीन टिक पाएगा या फिर उसे यहाँ से भी भागना पड़ेगा। तो ही बलूचिस्तान से चीन की गोदी में छिपकर भागे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने अपनी हार मानते हुए कराची को CPEC में शामिल किए जाने को गेम चेंजर करार दिया। यही नहीं, यकीन नहीं होता तो आप इमरान खान का ये ट्वीट देखिए। स्ट्रीट में आतंकियों के समर्थक इमरान ने कहा कि इस परियोजना से हमारे मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए समुद्री इलाका साफ करने में मदद मिलेगी, कम आय वाले लोगों के लिए 20,000 घर बनाए जाएंगे, साथ ही निवेशकों के लिए अवसर मिलेंगे, इससे कराची विकसित बंदरगाह शहरों में शामिल हो जाएगा। अब इमरान खान के इस बयान के बाद आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खुद को दुनिया का सुपर पावर घोषित करने वाला चीन बलूचिस्तान से भाग गया। दरअसल चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह सबसे बड़ा संकट बन गया था जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चीनी नागरिकों और उसके निवेश पर लगातार बलूच विद्रोही हमले कर रहे थे। अभी हाल ही में अगस्त के महीने में इसी इलाके में एक चीनी वाहन को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया था। इसमें 2 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे। ग्वादर के आसपास बलूचों का विद्रोह पिछले काफी समय से जारी है। खैर, ये तो होना ही था, क्योंकि चीन जहां पर परियोजना स्थापित करना चाह रहा है वो है पाकिस्तान, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी पाले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।